तो ये है डीप फ्रीजर और इसके सभी इलेक्ट्रिक भागों को हमने निकाल करके बिल्कुल अलग अलग कर लिया है। इसका थर्मोस्टेट खराब हो गया था, उसको चेंज करना है तो हमने नया रख लिया है। इसकी वायरिंग का डायग्राम पे भी हम समझाने की कोशिश करेंगे और यहां पे जो भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक पार्ट है वो सब कुछ इसमें से निकाल दिया गया है। और ये जो डीप फ्रीजर है इसको देखिए कुछ इस तरह का है और इसका मॉडल वगैरह दिखाएं आपको तो देख सकते हैं यहां पर लिखा क्या है मॉडल नंबर में इसका CFHT 320। मतलब ये डीप फ्रीजर 320 लीटर का है और इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट प्रयोग किया जाता है जो गैस वो R290 और इसके अलावा जो 290 गैस भरी जाती है तो कितनी भरी जाती है तो वो है 70 ग्राम। और ये 1.5 एम्पियर के लाइट से काम करता है यानी 1.5 एम्पियर लोड लेता है और 230 वोल्ट की सप्लाई पे काम करता है और 50 फ्रीक्वेंसी यानी 50 HZ की फ्रीक्वेंसी पे ये काम करता है। और इसकी वायरिंग का डायग्राम यहां पर है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए ये पूरा कंप्लीट डीप फ्रीजर है, इसको हम बिल्कुल जीरो लेवल से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें जो हमारा डीप फ्रीजर होता है उसमें होती है एक मेन लीड, देखिए यहां पर नीचे गिरा हुआ है ना, ये होती है मेन लीड। तो ये इसका है मेन लीड जो कि यहां से इंटर किया हुआ है। मेन लीड में हमेशा देखते हैं कि 3 पिन होता है यानी 3 पिन होता है जिसमें एक होता है न्यूट्रल और एक होता है फेस और एक होता है बॉडी अर्थ के लिए। देख सकते हैं यहां पर लिखा है N और इधर लिखा है L और ये अर्थ का सिंबल बना हुआ है, मतलब न्यूट्रल फेस और अर्थ 3 वायर होते हैं। इस लीड से सबसे पहले सप्लाई इसमें इन कर रही है और जब ये सप्लाई इन हो रही है तो देखिए जाएगी कहां, सबसे पहले इस मेन लीड के जरिए, देख सकते हैं ये लीड को देखते रहिए, ये मेन लीड के जरिए यहां तक आई हुई है। अब यहां पर इसके अंदर जो तार है वो टोटल 3 तार है, देख सकते हैं एक ब्लू कलर का है, एक ब्राउन कलर का है और ये एक ग्रीन कलर का है, ग्रीन और येलो से मिक्स हुआ है। ये जो वायर है ग्रीन वाला ये होता है बॉडी अर्थ के लिए, यानी अगर किसी कारण से इसके बॉडी में करंट आए तो वो अर्थ पकड़ के जमीन में चला जाए जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब ये हो गया अर्थ का तो इसका काम यहीं पे हम खत्म कर देते हैं। अब बचा ये 2 वायर जो हमारे मेन है, ये कौन है, इसमें एक है हमारा न्यूट्रल और एक है फेस। देखिए यहां पर ये भी लगा हुआ है किसी जंक्शन के जरिए, है ना, इस तरह का खोसने वाला सिंबल थिंबल है और इसके जरिए ये लगा हुआ है। कुछ वायरों में इस तरह से थिंबल लगे होते हैं और इसी के अंदर इसी में फ्यूज भी दे देता है, यानी कि फ्यूज का भी काम करेगा और ये जोड़ने का भी काम कर जाएगा, है ना, कमाल की चीज। अब इसके बाद यहां से जो दोनों तार, देखिए मेन लीड का ये वायर है, जो दोनों तार आउट हो रहे हैं एक है इसमें रेड और एक है ब्लैक। सबसे पहले ये 2 तार हो गए जिसमें एक है रेड और एक है ब्लैक। दूसरी साइड से दिखाते हैं आपको, देखिए यहां पर जो दोनों तार यहां आए हुए हैं वो रेड और ब्लैक बनकर के हमको यहां पे मिल रहे हैं, यानी यह दोनों तार डायरेक्ट यहां पे आ रहे हैं और एक लीड के अंदर जा रहे हैं। लेकिन इस लीड में तो ये क्या हुआ, और भी 2 तार है, यानी टोटल यहां पर 4 तार दिखाई दे रहे हैं ना, देखिए यहां पर ब्लैक रेड व्हाइट और फिर ब्लैक, है ना, टोटल इसमें 4 तार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन है क्या इसमें कमाल की बात, जानते हैं ये जो दोनों ब्लैक है ना वो दोनों एक ही हैं, आगे जाकर के दोनों आपस में टच हुए हैं, देखना चाहते हैं चलिए दिखाते हैं। देखिए 2 ब्लैक हो गए, 1 रेड और व्हाइट हुआ, इस लीड से अब टोटल 4 तार आ रहे हैं। ये जा कहां रहे हैं, देखिए इस प्रकार से जा कहां रहे हैं, यहां पर लगा है एक इंडिकेटर, वैसे तो ये इंडिकेटर ग्रीन कलर का है लेकिन लिखा क्या है मेंस, मतलब अगर मेन लाइन आ रही है तो ये ग्रीन वाला इंडिकेटर जलेगा, मतलब इससे ये पता चलेगा कि लाइट इस फ्रीजर तक आ रही है, मतलब जो मेन लीड है उसकी डायरेक्ट सप्लाई इस इंडिकेटर तक आएगी। कैसे, यहां पर इस लीड के जरिए आ रही है, यहां पे हमने दिखाया आपको 2 ब्लैक है रेड और व्हाइट है, इस लीड के जरिए जब सप्लाई आई तो यहां पर देख सकते हैं इस लीड से जब तार निकला तो देखिए ब्लैक 2 निकला और व्हाइट भी निकला रेड भी निकला, लेकिन ब्लैक वाला जो दोनों निकला वो दोनों आकर के इंडिकेटर के एक ही पॉइंट में, देखिए बिल्कुल एक ही पॉइंट में दोनों डायरेक्ट जुड़ गए हैं और यहीं से, मतलब यहां से डायरेक्ट ब्लैक न्यूट्रल आया और यहीं से फिर वापस जा रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर ये जो मेन लीड का न्यूट्रल है अगर इसके तार को यहीं से काट करके यहीं ब्लैक में जोड़ दिया जाए तब भी ये वही काम करेगा जो यहां कर रहा है, लेकिन डिफरेंट क्या है, तार के अंदर एक जोड़ बन जाएगा। तो उस जोड़ को बनने से बचाने के लिए सप्लाई यहां तक आई है, यानी कि जोड़ इस इंडिकेटर के पास बनाया गया है। अब हो गया ये न्यूट्रल, अच्छा न्यूट्रल को क्लियर कर रहे हैं, यहां से न्यूट्रल देखिए मेन लीड से आया ब्लैक वाला और यहां पर 2 तार हो गए और फिर यहीं से वापस गया और ये न्यूट्रल जा कहां रहा है, देखिए
न्यूट्रल यहां इंडिकेटर को मिल गया और न्यूट्रल यहां से निकल करके ये दोनों जो तार हैं वो जा कहां रहे हैं, तो देखिए ये ब्लैक कलर का तार न्यूट्रल जा रहा है ना, एक मेन लीड है और ये गया है कंप्रेसर में, और कंप्रेसर के अंदर अगर बात करें तो ये गया है कंप्रेसर के ओएलपी में, यानी कि कॉमन में। यानी कॉमन में देने का क्या मतलब हुआ, ये जो न्यूट्रल की सप्लाई है ना, हमारे जो हाउस वायरिंग का नियम है उसमें भी नियम यही है कि वो हर जगह यही है कि न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। देखिए ये जो ब्लैक वाला तार यहां पे न्यूट्रल गया हुआ है ना, सभी जगह वायरिंग का यही नियम होता है। जैसे देखिए यहां पर अगर हम बात करें कि एक सप्लाई हमारी है न्यूट्रल, एक सप्लाई है न्यूट्रल, और न्यूट्रल का वायर जाता कहां है, तो सबसे पहले गया इसमें इंडिकेटर में, इंडिकेटर में डायरेक्ट गया ना, और इंडिकेटर में जहां जोड़ है इस थिंबल के पास वहीं से लेकर के ये चला गया है आगे और कंप्रेसर के कामन में जुड़ा है जो कि ओएलपी में लगा हुआ है, मतलब यहां पर ओएलपी लगी हुई है इसमें जुड़ा हुआ है। तो न्यूट्रल डायरेक्ट इंडिकेटर में और ओएलपी में जुड़ा हुआ है, इतना क्लियर हुआ। देखिए ये मेन लीड यहां से न्यूट्रल आया इंडिकेटर तक, यहीं से निकल के गया सीधा कहां गया ओएलपी में, और ओएलपी में जो ब्लैक कलर का तार जुड़ा है यहां पर भी देख सकते हैं एक ही तार नहीं है, दो तार जुड़ा हुआ है, मतलब यहां से भी तार निकल के और कहीं ब्लैक वाला यानी न्यूट्रल वाला डायरेक्ट जा रहा है। इस कॉमन में लगे ओएलपी के माध्यम से ब्लैक वाला तार देखिए यहां से जा रहा है और आगे गया और यहां पर एक लीड बना दी गई है, और इस लीड के माध्यम से ये लीड देख पा रहे हैं, इस लीड के माध्यम से ये वाली लीड देखिए और ये चली गई है, लीड जो है ना ये चली गई है फैन मोटर में, यानी समझिए कि न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट यहां से आ रहा है और सीधा चला गया इसके पंखे में, यानी यहां जो फैन मोटर का ये वाली लीड है इसमें, यानी इसका जो पंखा है उसमें। अब फैन मोटर में क्या हुआ, तो इससे देखिए फैन मोटर को भी न्यूट्रल मिल गया इस प्रकार से, मतलब ये जो न्यूट्रल की सप्लाई है डायरेक्ट इंडिकेटर में गई है और ये कंप्रेसर के कामन में गया है, और जो कामन के करीब से ही एक तार और निकला हुआ है और यहीं से ले जा करके फैन के किसी एक पॉइंट में जोड़ दिया है, यानी इसका जो फैन मोटर है ना वो भी एसी सप्लाई से चलने वाला है, इसलिए डायरेक्ट न्यूट्रल की सप्लाई उस फैन मोटर में भी जोड़ दिया गया है। और वायरिंग न्यूट्रल की वायरिंग बस इतनी ही है और ये कंप्लीट हो गया। देखिएगा पूरा कंप्लीट समझेंगे, बढ़िया समझ में आएगा। न्यूट्रल डायरेक्ट आया कहां, इंडिकेटर में, कंप्रेसर में और फैन मोटर में, सिर्फ तीन जगह न्यूट्रल गया हुआ है। अब दिखाते हैं इसको, देखिए न्यूट्रल के बाद अब हमारा बचता है फेस, फेस कहां जा रहा है देखिए, ये हमारा फेस है इसके अंदर रेड वाला, और रेड कलर का जो तार यहां से आ रहा है देखेंगे, यहां से डायरेक्ट आ रहा है तो कहां आया है, सबसे पहले इस इंडिकेटर में, कहां आया है इंडिकेटर के अंदर। यहां पर हम रेड कलर का वायर देते हैं, देखिए यहां से हम रेड कलर का ये फेस का वायर लेते हैं और फेस डायरेक्ट कहां गया है, इंडिकेटर के अंदर गया हुआ है, हो गया इंडिकेटर में, फेस डायरेक्ट इंडिकेटर में। अब इसके बाद ये जो फेस का वायर है ये इंडिकेटर के पास, यहां पे से दो तार बन जा रहे हैं और दो तार जा कहां रहे हैं, मतलब एक तार आ रहा है, एक तार यहीं से तुरंत निकल के जा रहा है, यहां एक जगह खाली दिखाई दे रही है आपको। यहां क्या होता है जानते हैं, यहां होता है थर्मोस्टेट जो कि हमने निकाल दिया है, ये वाला जो थर्मोस्टेट है ये खराब हो चुका था। खराब क्या है इसमें, चेक करके आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले हमने मल्टीमीटर लिया, कंटिन्यूटी पॉइंट पर ऑन किया, ये हमारा डिजिटल क्लैंप मीटर होता है जो कि एम्पियर भी बता देता है कोई उपकरण कितना एम्पियर ले रहा है। ये दोनों तार हो गए, हमने कंटिन्यूटी पे ऑन किया, वीप की आवाज इससे आने लगी। अब अगर ये जो थर्मोस्टेट है इसको हम इस तरह से घुमा करके ऑन करेंगे, ऑन होने पे सप्लाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जानी चाहिए। देखिए मल्टीमीटर के अंदर भी नंबर में भी देख पाएंगे, कुछ नहीं शो कर रहा है और ना ही इसमें से वीप की आवाज आ रही है, मतलब कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है, इसलिए ये थर्मोस्टेट खराब है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर लगाएंगे नया थर्मोस्टेट। देखिए हमने यहां पर थर्मोस्टेट लेके आए हैं, देखने में ठीक इसी साइज का लेके आए हैं, इसी में लगाने के लिए लेके आए हैं। वैसे देखने में अगर इसको देखेंगे ना तो थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट एक दूसरे से ये दिखाई दे रहा है ना, इस तरह से अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इसी के साइज का है और ये इसी में लगने वाला। देखिए कि इस तरह से बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। इसमें क्या है, ऊपर की जो बॉडी है ना अगर हम निकालना चाहें तो इस नट को ढीला करके हम इसको निकाल भी सकते हैं। देखिएगा ये ऊपर नट लगा होता है, इस नट को ढीला करेंगे, ये अलग एक प्लेट होती है जो कि साथ में मिलती है, कुछ फ्रिज में या लगाने के लिए ये ऐसे दबाना पड़ता है इसी से, इसलिए मिलती है। बाकी अब देखिए ये दोनों की साइज या दोनों को एक ही जैसा अब दिखाई दे रहा है, अब तक अलग दिख रहा था है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसको यहां लगा देना है, लगा देते हैं हम इसको
और इस तरह से अंदर लगा के और इसके नट को जो है वो यहां से लगा के टाइट कर देते हैं। देखिएगा, इसको टाइट करने के लिए हमें नोज प्लायर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा नॉर्मल प्लायर यहां पर काम नहीं करेगा। तो देखिए, इस तरह से हमने थर्मोस्टेट को टाइट कर दिया है इसमें लगा करके। अब ये जो थर्मोस्टेट की पूंछ है ये इलेक्ट्रिक भागों में टच नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसको सीधा करके दूसरी तरफ कर देते हैं। अब ये बचा जो दोनों तार, इन दोनों तारों को इस थर्मोस्टेट पे लगाकर हम सेट कर देंगे। ये जो दोनों तार हैं किसी को किसी में हम इसको टाइट कर सकते हैं। एक बार यहां पे डायग्राम में थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ये हो क्या रहा है। देखिएगा, ये फेस का तार डायरेक्ट इंडिकेटर तक आ गया। फेस का तार इंडिकेटर तक आने के बाद वहीं से एक तार ले जाके थर्मोस्टेट में जोड़ना है, तो थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में जोड़ देते हैं। किसी में जोड़ सकते हैं, ये इधर उधर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक में इन करवाना है, दूसरे से आउट करा लेना है, आउट करा लेना है। अब जब आउट होगा तो इसमें जा रहा है एक व्हाइट कलर का तार, यानी आउट होने के बाद ये व्हाइट कलर में बन जा रहा है, तो व्हाइट कलर का तार यहां से आउट हो रहा है। और आउट हो करके जा कहां रहा है, तो हमने आपको दिखाया था कि जो मेन लीड है उसके अंदर एक व्हाइट कलर का तार भी आया हुआ था। देखिए, ये रेड और ब्लैक बाहर से आया हुआ है ना, तो ब्लैक ब्लैक एक हो गया, ये व्हाइट कलर का तार है। तो ये वही व्हाइट कलर का तार है जो थर्मोस्टेट से आउट होकर के जा रहा है। यहां से मेन लीड से होते हुए व्हाइट कलर का तार आउट हुआ और ये चला कहां गया है, देखिए, कंप्रेसर को चालू करने के लिए दाहिने साइड में, यानी इसके अंदर जो रिले लगा है ना उसके दाहिने साइड में फेस देने के लिए गया हुआ है। यानी इस कंप्रेसर को जब थर्मोस्टेट ऑन रहेगा, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सप्लाई आएगी, तो कंप्रेसर को फेस मिलेगा और जहां ये व्हाइट जुड़ा हुआ है यहीं पर देखेंगे दो व्हाइट जुड़े हुए हैं, यानी एक और व्हाइट कलर का तार इस मेन लीड से होते हुए इसके पीछे लगे फैन के लिए चला गया है। मतलब समझते हैं, जैसे देखिए थर्मोस्टेट यहां पे लगा हुआ है तो थर्मोस्टेट से सप्लाई आउट हो रही है, आउट होकर के कहां जा रही है, तो जा रही है रिले में। इसके अंदर जो रिले है ना, थोड़ी सी वो बता दे आपको, रिले में तार जोड़ने के लिए तो चार पॉइंट है। इस रिले को हम पीटीसी रिले बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस रिले में चेंजिंग इस बात का है कि जो पीटीसी रिले होता है एक साइड की दोनों पिने एक ही होती हैं और दूसरी साइड की भी दोनों पिने एक ही होती हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। एक साइड की दोनों पिने एक हैं लेकिन दूसरी साइड की दोनों पिने एक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो कैपेसिटर प्रयोग किया गया है, इस कैपेसिटर के अंदर वैसे तीन पॉइंट तार जोड़ने के लिए बने हुए हैं। देखिए, सभी कैपेसिटर में ऐसा तीन पॉइंट नहीं होता है, दो ही पॉइंट से काम चल जाते हैं, लेकिन इसके अंदर तीन पॉइंट तार जोड़ने के लिए बने हुए हैं। तो अभी तीनों पॉइंट को हम जोड़ना कैसे समझेंगे, यहां पर सीखेंगे। तो यहां पे हमने फेस पहुंचा दिया, अब यहीं से फेस निकल करके एक तार और वो ले जा करके इसके फैन मोटर में जोड़ दिया गया। मतलब अगर ये थर्मोस्टेट चालू रहा, मतलब ये सप्लाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आउट हुई, तो जा करके इस रिले और फैन दोनों को सप्लाई मिलेगी, मतलब रिले को मिलेगी, मतलब कंप्रेसर को मिलेगा, तो कंप्रेसर मोटर और फैन मोटर दोनों एक साथ चलेंगे। और अगर कूलिंग ज्यादा होने पर थर्मोस्टेट कट करेगा तो दोनों एक साथ बंद हो जाएंगे, लेकिन इंडिकेटर हमेशा काम करता रहेगा। तो इस प्रकार की है वायरिंग है। अब बात रही इस कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर को समझाते हैं। देखिए, इसके अंदर जो कैपेसिटर है ना वो थोड़ा अलग है और रिले भी थोड़ा अलग है। रिले को अब हम निकाल के आपको दिखा देते हैं, इसको हम बाहर करके दिखा देते हैं इसका कनेक्शन। देखिए, निकालना हो तो रिले एलपीएस से साथ निकल जा रही है, मेन लीड को हम थोड़ा सा निकाल दे रहे हैं तो ये रिले बाहर आ जाएगा कैपेसिटर के साथ। अब यहां पर इसको देख सकते हैं, ये जो रिले है इसको देखिएगा किस प्रकार से ये जुड़ा हुआ है। ये जो रिले है देखिए, इसके अंदर तार जोड़ने के पॉइंट ऐसे बने हुए हैं ना, दो तार एक तरफ जुड़ा हुआ है। यहां पर हम इसको पूरे को निकाल देते हैं। इस रिले को अब देखिए, सभी रिले के जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, ये हमारा मल्टीमीटर, मान लीजिए ये हमारा मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पे ऑन किया और इसको हम चेक कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले उसी पर रख के चेक कर रहे हैं, वीप की आवाज आ रही है। एक तरफ की दोनों पिने एक होती हैं, वीप की आवाज आ रही है, मतलब ये चालू हो गया। और दूसरी तरफ की दोनों पिने एक नहीं होती, हमने ये बताया था। तो देखिए, ये दूसरी तरफ पे कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। और इसके अलावा इस रिले के अंदर जो पॉइंट है, इन पिनों को ध्यान से देखिए, ये जो पिने हैं
इनकी जो साइज है जितनी भी ये मोटी है, दूसरी तरफ की दोनों पिनों को देखिए, ये दोनों पिनें थोड़ी मोटी मोटी हैं, लेकिन इधर की पिनें पतली हैं। एक तरफ की दोनों पिनें मोटी हैं और दूसरी तरफ की दोनों पिनें पतली हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर आप इस प्रकार का कैपेसिटर लगा रहे हैं तो ये वायरिंग कभी गलत नहीं होगी, क्योंकि इस कैपेसिटर के साथ थिंबल आता है और थिंबल एक देखिए बड़े साइज का है, दो छोटे साइज के हैं। ये जो बड़ा साइज है वो बड़े में लगा देना और जो छोटा साइज है वो छोटे में लगा देना और जो बचा हुआ एक और छोटा है वो भी छोटे में लगा देना। मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार से हमारे सभी फैन मोटर में रनिंग कैपेसिटर जो लगता है वो एक तार रनिंग में और एक स्टार्टिंग में लगता है, उसी तरह से इसके अंदर भी है, लेकिन स्टार्टिंग के समय झटका देने के लिए, थोड़ी ज्यादा पावर देने के लिए ये पॉइंट स्टार्टिंग पे थोड़ा और ज्यादा प्रेशर के साथ चलाता है और बाद में रनिंग कैपेसिटर पे काम करता रहता है। तो इस प्रकार से इस रिले के साथ इस कैपेसिटर का कनेक्शन कर सकते हैं, मतलब जो मोटा वाला है उसको राइट साइड में, जो पतला वाला है उन दोनों को लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में स्टार्टिंग का पॉइंट है, राइट साइड में रनिंग का पॉइंट है, एक पॉइंट जो खाली है उसमें मेन सप्लाई देना है। तो यहां पर हम इसको लगा देते हैं। तो अब यहां पर इस रिले और ओएलपी को फिर से लगाने के लिए पहले ओएलपी को लगाएंगे। देखिए ओएलपी के अंदर यहां पर एक छिद्र बना हुआ है जो कि कंप्रेसर के इस ऊपर वाली पिन में इसको लगा देना है। तो इस तरह से देखिए सबसे पहले हम इसको ऊपर वाली पिन में इसको लगा देंगे और उसके बाद जो इसमें रिले है उस रिले को भी हम लगा देते हैं। देखिए इसके अंदर दो ही छिद्र हैं तो दोनों छिद्र ऐसे ऊपर के पोजिशन पर रखते हुए इसको हम लगा देंगे और जो इसके मेन लीड वाला ये वायर है मेन लीड का, इसको भी हम रिले में जो एक ही पिन खाली बची है उसमें लगा देंगे, उसमें लगा करके इसको जोड़ दिए। तो देखिए ये तो हमारा कंप्लीट जुड़ चुका है, कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है। अब देखिए अगर हम इसको डायग्राम पे कैपेसिटर को जोड़ें तो वैसे बेसिक है कि जो बड़ी पिन है एक तार, देखिए कैपेसिटर के अंदर से तीन तार थे और एक तार यहां पर जुड़ गया है, देखिए ये नीचे जुड़ा है तो ये एक तार यहां जुड़ा हुआ है और इसके अंदर जो तीन तार हैं, एक तार इस नीचे वाले में, एक तार ऊपर वाले में और एक तरफ की, ये जो दोनों पिनें एक ही होती हैं सभी में, इसमें ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। अब इसके अलावा आपको हम इसको चालू करके दिखाते हैं। तो अब हम इसको चालू करके दिखाते हैं, ये इसकी मेन लीड है, मेन लीड को हम यहां पर लगे हुए एक बोर्ड में लगाते हैं सबसे पहले और बोर्ड में लगा करके सप्लाई को ऑन करते हैं। तो देखिए ये हमारा डी फ्रीजर स्टार्ट हो गया। अब देखिए ये फैन मोटर चल रहा है, ये कंप्रेसर मोटर भी चल रहा है, आवाज अगर सुन पाएंगे तो सुनाई दे रहा होगा और इस प्रकार से ये पूरी वायरिंग कंप्लीट हो गई। इसका जो इंडिकेटर है वो भी ग्लो करेगा, वो भी जलेगा। इस अवस्था में ये थर्मोस्टेट ऑन है, ध्यान दीजिएगा, थर्मोस्टेट ऑफ रहने पर ये काम नहीं करेगा। तो यहां पर देख सकते हैं ग्रीन इंडिकेटर यानी मेंस जो है वो लाइट आ रही है, फैन चालू है, डी फ्रीजर हमारा काम कर रहा है तो ये कूलिंग भी करेगा। देख सकते हैं ये इस प्रकार से डी फ्रीजर हमारा काम कर रहा है और कूलिंग भी कर रहा है। अब इसके सभी सेटअप को फिटिंग करके अच्छे तरीके से बांध देंगे, इस प्रकार से हमारे डी फ्रीजर की वायरिंग होती है। अगर इसके अंदर जो कैपेसिटर प्रयोग किया गया, देखिए लिखा है स्टार्ट कैपेसिटर, मतलब स्टार्टिंग कैपेसिटर इसके अंदर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से डी फ्रीजर की कंप्लीट वायरिंग होती है। इस डी फ्रीजर से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव रह गया तो कमेंट करके बताइए। वीडियो बनाने में अकेला ही था तो इसलिए हिल डुल ज्यादा रहा था, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।